अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। फोन फिर वही प्लम्बर, फिर वही दुर्जन। अरे यार ये दुर्जन उसी का काम कर रहे हैं, ये समझता क्यों नहीं है? अरे ये दोनों तो वही है। रंजीत पुलिस, किसी एक रेस्टोरेंट में गाड़ी पीछे भी है, चल 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 चल। अरे हजारे मुरारी पुलिस की ड्रेस में, ये बैग मेरी बात सह बेबी एकदम फर्स्ट क्लास। चलो रंजीत, ए बैग छीना है, कहता हूं बैग मुझे दे दो। मुरारी ये बैग मुझे दो। आगे मुझे मत रंजीत, बैग सीता मां छी दो। अरे इधर इधर फेंकना। ए एक मिनट जरा कॉक कर लो। चल बैग ले रंजीत, चल भाई ठोक दूंगा साला। चल गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। हाँ आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? लड़के को नहीं चढ़ने का, बैठ गाड़ी में बैठो। अरे गाड़ी में बैठ नहीं तो ठोक दूंगा। इन्हें क्यों गाड़ी में बिठा रहे हो? दरवाजा बंद कर। अरे प्लानिंग है। अरे कैसी प्लानिंग? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी? अरे बैग मिल गया है, ये कैसी स्ट्रेटजी? हम कहाँ बैठे? अपनी गाड़ी में बैठेंगे। हमारी गाड़ी? अरे हमारी गाड़ी गई। अरे ये गाड़ी लेके कहाँ? बीबी साहब। अरे कौन है वे? सर इनको छोड़िए, इनको छोड़िए सर, वो एडिस रिया मैडम को लेके भाग गया। क्या तू क्या कर रहा था? सर आपके ऑर्डर का वेट कर रहा था मैं। चल गाड़ी निकाल। ओके इनसे गोली मांग ले। तुम्हारा मामा यहाँ तक पहुँच गया, कुछ करना पड़ेगा। ये लो फोन लगा मामा का। मामा जी, मामा जी। हाँ बेटा श्रेया, कहाँ हो तुम लोग? एडी ने मुझे किडनैप कर लिया है, ये लोग भोपाल हाईवे की तरफ जा रहे हैं। भोपाल हाईवे? अरे ये भागम भाग कब थमेगी? चार घंटे हो गए, जान पे आई हुई है और भाभी बैठी इसलिए कह नहीं पा रहा, पेशाब लगी हुई है। साइड लगा, साइड लगा। कहाँ इतना पानी पीते हो बे? अभी पेट हल्का हो जाएगा, फिर पानी मांगो, फिर कहोगे मुताद हो, क्या मतलब है? ए, सामने वो गांव दिख रहा है, क्यों ना हम आज रात वहीं पर बिता दें? करेक्ट है, कल देखते कहाँ जाना। एकदम सही है, पहले इसे मुताद हो नहीं तो गाड़ी मुत देगा। मालिक 500 रुपया? हाँ सरकार। सरकार सरकार 500 रुपये में तेरी चिता भी नहीं जलेगी। अरे दुर्जन को पता चलेगा तो तेरे खेमे में आके तेरी बेटी के साथ मौज मस्ती करके बकाया वसूल करेगा वो। चल तेरी बीवी का मंगलसूत्र लेके आ। नहीं सरकार। दबाना जोर से। जा बीवी का मंगलसूत्र लेके आ, जा जा। करेला करेला है। इस कमीने को मंगलसूत्र दे दो, चूड़ियां पहना दो, इसकी मांग में सिंदूर भर दो। अरे ये कीड़े को जलाया क्यों नहीं अभी तक? इसकी पूछे निकाल दो, लिपस्टिक लगा दो, धोती निकाल के साड़ी बना दो, ए तो अपने घर जा। अरे इसको नचवाओ, इसको औरत बना के। हाँ मेरा बाबू छे कबीला में तो नाचूंगी आज तेरी जान का। अरे मेरे सामने। अरे इसके गले में दो चम्मच सिंदूर डाल के नीचे से आग लगा दो। उल्टा लटका के चला डालो साले को। ये कौन भाषण दे रहा साला? सिपाही हूँ। हमारे गांव में पुलिस? सर्वनाश कर दूंगा सबका, मेरे सामने आना नहीं, मार दूंगा। अरे अरे गिन्नी के घर में आग लग गई, गिन्नी मर जाएगी, बचाओ। अरे भागो। अरे उनका बचा लो रे। चुकी
चुटकी इधर आ, चुटकी चल बाहर निकल। कमीना पागल। बचाओ, कोई बचाओ। चोर, वो पागल है, उसका मत मारो। हजारी नाम है हमारा। लोहे को लोहा ही काटता है। इधर आ, इधर आ, देखिए भीड़ पिता, मुंह में लगा, मुंह में लगा, मुंह में लगा, लगा मुंह में सालिम, मुंह में। तेरी माँ का गायब है, गांव का शरीफ शरीफ लोगों को काय मार रहा है ना? है कितने दिन से नहीं है? बहुत दिनों से। मन नहीं करता है? जी ठीक से खड़ा। हाँ। तेरी दुश्मन, इसको भगाओ, देश बचाओ, इसका अंत तो बाप का अंत। तुम बैठो, मैं परोसती हूँ। ठीक है। ये खाना आ गया। खाना मिला, खाना मिला। मेरे लिए एक और, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बिल्कुल। थैंक यू। अरे कहीं पीने वीने का व्यवस्था है गांव में कहीं? सब्जी लोगे और? Happy birthday to you. Happy birthday to you. डालो। आराम से, आराम से। आ बस। नाम क्या है तुम्हारा? काली मिर्च। कहाँ? अबे यहाँ नहीं, बुलाल वाली। इतने प्यार से लोग खाना खिला रहे हैं, इधर देखो। तुम्हारा आचरण और तुम्हारा नाम एकदम मेल खाते हैं, बहुत अच्छे। मिर्ची, तुम्हारा का नाम है गिन्नी। भाई बहुत सुंदर गांव है भाई। अरे बिटिया, एक ही थाली में खाओ, इससे प्यार बढ़ता है। अम्मा जी, मैं भी इसको कब से यही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात माने तब। चलो। अरे अपने हाथ से खिलाओ। आप खाएंगी? नहीं बिटिया, तुम खिलाओ। नाइस। अब तो खाना ज्यादा ही टेस्टी है। वाह। सब्जी? हाँ बच्चा, एक मिनट, गिनी सब्जी तो दे दे। सब्जी लोगे और? हाँ रखो रखो, धन्यवाद। आप भी लीजिए। तू काहे खाना नहीं खा रहा? नहीं खाऊंगा, जब तक उस दुष्ट दुर्जन सिंह का सर्वनाश नहीं हो जाता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरी छोटी सी बेटी थी। आग आग लगी, आग लगी, आग लगी। बेटी बेटी, सब लोग आ गए ना, सब ठीक कर देंगे। तू रो मत बेटा, तू रो मत। ले ले अपनी मैया के हाथ से खा ले बेटे। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मैया के हाथ से खा ले रे, खा ले मेरा बच्चा, खा ले, खा ले। उस माल अपनी दीदी को भेजो जरा। दीदी का क्या करोगे? हो सकता है उसको हमसे कोई काम होना। तो तुम्हारे काम लड़कियों से ही क्यों ज्यादा होते हैं हजारी? क्या क्या इतनी चरित्रहीनता, क्या क्या मैनियक हो क्या? खाना खाओ। बचवा तुम कहाँ थे? हम तुमको कब से खोज रहे हैं? अम्मा यहीं लेटे हैं, हम तो तब से यहीं लेटे हैं। दारू गटक के आए हो? का बोल रही हो अम्मा? बैसनो समाज के हैं, हमारे यहाँ चिकन में प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ता। का मतलब है अम्मा? अरे बाल धूप में नहीं सफेद किए। अच्छा। तुम्हारे मुँह से बास आ रही है। नहीं नहीं, वो तो हमारा दवाई चल रहा है। कौन का खाना हमारा दवाई? अरे बदमाश कहीं का, तू ही बिगाड़ रहा है इसको। ये सुखा ले। आग से पूछो। आग भाई साहब कह रहा, हाँ सुखा ले। सुखा लो। कब
कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं मिलती इंडिया में। चटनी खाई थी? तुम बनाई थी क्या? नहीं। मतलब कल मोजा भी धो लेंगे, ठीक है? ये देखा ये? कभी सुना है? शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन बड़े प्यार से जया माधुरी जी को बजाते हैं। अपना भी यही इरादा है कुछ। जल रहा है, गमछा जल रहा है। सारी गंदगी मचाने का ठेका इन्होंने ही लिया। गमछा संभलता नहीं है, फैमिली बसाने चले। उठिए, अरे उठिए, चलिए सो जाइए। इतने गुस्से में क्यों यार? बताइए। एक ठो काला टीका लगा लिया करें आप। क्यों? कहा है कि हमें अपने पर बहुत कम भरोसा है। वैसे एक बात कहें आपसे, अमिताभ बच्चन जी अंत में मर जाते हैं, मालूम है? गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं यार। ये गांव कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। एक ही दिन में कितना प्यार दिया है ना इन लोगों ने। हाँ, दो दो चार करोड़ इस गांव के लोगों में बांट देंगे। तुम अपने हाथों से सबको 10-10 लाख रुपए दे दो। तुम हर चीज को पैसों से क्यों तोलते हो? एडी, तुम्हारे इसी नेचर से मुझे बहुत डर लगता है। और मुझे तुम्हारे गुस्से पे प्यार आता है। लाइसेंस के बिना ड्राइव करना अलाउड नहीं है, सजा हो सकती है। इस लाइसेंस बनाने वाले को तो मैं गोली से मार दूंगा। अबे यहाँ पानी नहीं निकल रहा, तुम आग मूत रहे हो यार। चुप। कहाँ है साला की? है मुरारी, तू मेरा भाई है साले, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि तुझे एक दो तीन रख के मारूं कान के नीचे। दिल करता है। सो जा। क्या है कि मैं दिल की नहीं सुनता, सीधे कर देता हूं। क्या मुरारी, क्या कह रहा है? पाप से धरती फटी। अबे एक रात में आग बेच रहा है, दूसरा साला थप्पड़ मार रहा है, बताओ। एकदम पटाका लग रही हो आज, ऊपर से नीचे तक ठर्रे की बोतल। ये जो साड़ी और ब्लाउज के बीच जो गैप है ना जाने मन, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। देखो आज बस रोकना मत। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। अरे कपड़ा बदलने का क्या जरूरत है भाई? अपने ही डिपार्टमेंट की? क्या यार, अपना समझा था तो तेरी। अरे मुगल सराय आ गया क्या? ये मजीदे, अबे खटिया पे सो रहा है कि चिता पे सो रहा है यार? आज कितने दिनों के बाद हमरा बचवा चैन से सो रहा है। हे भगवान, इस गांव में अब सुख और शांति दे देना, सुख और शांति दे देना। हम पे किसने लाल साड़ी डाला, मार डाला। ए भिखारी, कहाँ जा रहा है? ए, भिखारी नहीं हूँ मैं, लोहा सिंह हूँ। ए रुक जा। अरे लोहा सिंह हूँ मैं, साड़ी पे मत जा। अरे ये क्या? बताता हूँ फुर्सत में। अरे लोहा सिंह, अंदर जाना मना है। अरे भैया जरूरी काम है, मुझे जाने दे। अरे बड़े सरदार साहब की रियाज चल रही है। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? फिर वो पिल्ला गजराज हाथ से निकल गया। आदमी बड़ा दो,
सांप की तरह फैल जाओ। मिल जाए तो पहले माल हासिल करो, उसके बाद सबको गोली मार दो। झूठे सरदार। टीका सिंह, ये औरत कौन है? औरत नहीं, लोहा सिंह हूँ सरदार, लोहा सिंह। लोहा सिंह, तुमने लिंग परिवर्तन कब किया? लिंग परिवर्तन नहीं सरदार, कपड़ा परिवर्तन किया हूँ। कपड़ा परिवर्तन नहीं करता तो मेरा लिंग परिवर्तन हो जाता। इतने साल के बाद गांव में पुलिस आई है। पुलिस? हाँ। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। हमें इतना पीटा कि हमें धो डाला, और गांव वालों ने सारा वसूली का माल छीन लिया हमसे। इतना सब हो गया, बड़े सरदार कहाँ है? वो रिचार्ज क्या कर रहे हैं? रियाज कर रहे हैं। वही कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। पुलिस पसंद नहीं है सरदार। आप कुछ कीजिए सरदार। पुलिस कुछ कीजिए, नहीं तो आपका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। केशव, माधव, अली, अजीत, लोहा कह रहा है गांव में पुलिस आई है हम पर नकेल डालने के लिए। पुलिस गांव वालों को हमसे बचाने के लिए। पुलिस अब से 15 साल पहले भी तो वहां पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ था, फूलों से सजाया गया था उसे। एक ही झटके में मैंने उसे आग का शोला बनाया था। फर्ज के जोश और जुनून से जवानों को आग में जला दिया था। इन कोबरा ने तब भी पुलिस नहीं थी, अब भी पुलिस नहीं रहने देगा।